लंग ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया क्या है? लंग ट्रांसप्लांटेशन में लंग्स को एक डोनर जो कि डिसीज्ड डोनर होता है उसके शरीर से निकाल के उसको सेफली प्रिजर्व करके रिसिपिएंट के अस्पताल में ले जाके उसके शरीर में लगाया जाता है। जब हम डोनर से लंग्स निकालते हैं और वो शरीर में आने के बाद उनकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो जाती है और उनको डैमेज हो सकता है। इस डैमेज को रोकने के लिए उन लंग्स को निकालते ही कुछ स्पेशल फ्लूइड से फ्लश किया जाता है जिससे कि वो स्वस्थ रहें और उनको उसी स्पेशल फ्लूइड में पैक करके लो टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि उनको नुकसान ना हो। रिसिपिएंट हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद रिसिपिएंट के शरीर से उसके लंग्स को निकाल दिया जाता है और राइट साइड में राइट डोनर लंग और लेफ्ट साइड में लेफ्ट डोनर लंग को लगा दिया जाता है। यह एक जटिल शल्य चिकित्सा है लेकिन इसके द्वारा वो लंग्स लग जाते हैं और फिर से दोबारा उसमें सांस लेने से ऑक्सीजन आने लगती है और ये लंग्स शरीर के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करने लग सकते हैं। तो यह तो हुई प्रक्रिया। इसमें ऐतिहासिक रूप से जब ये शुरू हुआ था तो एक ही लंग लगाया जाता था, यानी कि एक डोनर से दो रिसिपिएंट्स का फायदा होता था। लेकिन बाद में देखा गया कि अगर दोनों ही लंग रिसिपिएंट में लगाए जाएं, तो यानी कि बाइलेटरल ट्रांसप्लांट या डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन, तो इससे रिसिपिएंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बेटर होता है और आज की तारीख में विश्व भर में प्रायः डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन ही किया जाता है क्योंकि उसमें सर्वाइवल बेटर होता है। तो यह है लंग ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया जो कि एंड स्टेज लंग डिजीज के पेशेंट्स जिनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है उनके लिए आज की तारीख में एकमात्र उपाय है। धन्यवाद।